सीखते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। असली सीख तो जिंदगी देती है, वक्त से बड़ी कोई टीचर नहीं, हालात से बड़ी कोई किताब। जिया तो आपको जीने के लिए मुसलसल पानी पीना पड़ेगा। वेट बाय मूसा कली मारे मूसा कली। 2 घंटे जो चल के पैदल आए थे, अब 2 घंटे चल के पैदल जाना भी है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बहुत दिन बाद हम व्लॉग बना रहे, तो आज हम जा रहे हैं मौला चुलो। हमारे साथ बहुत सारे बॉयज मौजूद हैं, मिलते हैं बाहर जाके क्योंकि गाड़ी आ गई, लेट हो रहे हैं। अब जो जा रहे हैं तो अब क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इसलिए जा रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में था और बहुत जो है ना काफी टाइम से मेरा माइंड जो है ना बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। मुझे जो है ना बाहर की हवा चाहिए थी और मुझे जो है ना डॉक्टर ने कमी बोली थी उसकी करने की, क्या कहते हैं, मेरे खून में जो है ना पिकनिक की और तफरी की आउटिंग की कमी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने बोला थोड़ा आप जो है ना आउटिंग की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, पहाड़ों की तरफ जाएं, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। गाड़ी आ चुकी है हमारी, हाय हाय हाय, गाड़ी देख रहे हैं कैसी बिहेव कराई है हमने, बैठने अंदर और सीन्स दिखा रहे हैं आपको। उबेद बाय भाई है, शो भी कहाँ बैठे हैं आप इतनी पीछे, अरे मां ने कैमरे में देख के आ चला दे। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम लोग जो है रास्ते में रुके हैं, अब सीधा विंदर पे रुकेंगे। हमारे कुछ बॉयज उनको वॉशरूम जाना था तो इस वजह से रुक गए, उसके बीच में कोई अब रास्ता नहीं है वॉशरूम के लिए, तो गाड़ी अभी हम लोग साइड पे लगाई, कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं अंदर जाके। भाई सीन ऐसा है कि अंदर देखते हैं लोग क्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हो भाई? चिजियाँ। उसके बाद सीधा हम लोग विंदर पे रुकेंगे। अभी घर से हम लोग निकले हैं, अब सीधा जाएंगे विंदर पे और विंदर का रास्ता तकरीबन 2 घंटे। विंदर से जब हम लोग निकलेंगे उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे खुसदार। खुसदार तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है, उसके बाद फिर मौला चुलो के लिए निकलेंगे। भाई हम लोग अभी विंदर पे पहुंच गए और रहमान ने क्या खाएंगे यहाँ पे? हम लोग बोल के विंदर पे सब्जी खाएंगे, कढ़ाई। विंदर पे पहुंच गए, यासिर भाई सो गए थे, सारे सोते हुए हम लोग पीछे तफरियां कर रहे थे यार। तो भाई इस वक्त जो हम लोग विंदर पे पहुंच गए, भाई इस वक्त हम लोग मौजूद है विंदर पे जहाँ पे हम खाना शाना खाएंगे। सारे आप देख रहे हैं कैसे बैठे हैं नलकों के साथ। नलकों में से क्या आता है यासिर? पानी आता है हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी आता है, हाथ धो और खाना पोड़ दो। तो भाई इस जगह पे अभी हम लोग बैठ के खाना वाना खाएंगे। आप देखें कैसा फुल देसी माहौल है, क्योंकि दिस इज बलूचिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोटी शोटी आ रही है मेरे भाई, उनको भी दस्तरखान जो हमारा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुल्लू सुमान का ड्रामा शूट हो रहा है इधर। ये भी आगे देखें, और ये छोड़ दो, तुम तो आ ही नहीं रहे ड्रामे की सीरीज में, मतलब लाइन चलाते हैं। खाने में है कढ़ाई और गरम गरम रोटी, खा के बता दे कैसी। ये तोड़ेंगे गरम गरम ये वाला, वाह वाह, खाइए ऐसी। तो भाई खाना कैसा है, बढ़िया है? सीन ये है कि खाना वाना खा के फ्री हो गए और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है फिर से। अब सीधा हम लोग खुसदार पे रुकेंगे, खुसदार यहाँ से तकरीबन 4 घंटे दूर है, तो वहीं जाके जो है फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। तकरीबन सुबह के 5 या 6 बज जाएंगे। हमें मौला चुलो पे सिर्फ शायद हमारा ही टूर है और 12 लोग होंगे सिंपल। अर्ज करता हूँ कि कौन कहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाके कुछ सीखते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। असली सीख तो जिंदगी देती है, वक्त से बड़ी कोई टीचर नहीं, हालात से बड़ी कोई किताब। जिया फूल खिलते हैं बाहरों का समा होता है, फूल खिलते हैं यहाँ से भाई, फूल खिलते हैं बाहरों का समा होता है, अरे ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। यासिर भाई फूल खिलते हैं बाहरों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है, दिल की बात होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। सुनाइए, अर्ज करता हूँ, अर्ज करो करो, लड़कों के बारे में खास तौर पर बड़े बड़े
खुशी हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए उस बात का डर। अब करियर में फोकस करें या उस पे, इस चक्कर में हम कहीं कह नहीं रहते कि हम लड़के बर्बाद होते नहीं किए जाते हैं। सच कहूँ तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले तू मेरी सोच, करियर में फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी हूँ। तुझे देख के छूने को दिल करता है, छू के दबाने को दिल करता है। तुझे देख के छूने को दिल करता है, छू के दबाने को दिल करता है, दबा के चूसने को दिल करता है। क्या करूं मेरी जान, आम का मौसम इस सीजन में एक बार आता है। क्या करूं मेरी जान, आम का सीजन ही साल में एक बार आता है। के 6:30 हो गए और हम लोग पहुंच चुके हैं खुशदार और यहाँ करेंगे हम नाश्ता सुकून का। उसके बाद यहाँ वाकई में ठंडा मौसम हो रहा है यार, यहाँ इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि सर्दी लग रही है। कि मतलब जो सर्दियों में होता है ना दिसंबर में वाला सीन हो रहा है। और अभी अभी आके हम लोग रुके हैं यहाँ, इसके बाद जो यहाँ नाश्ता वगैरह करके उसके बाद यहाँ से 4x4 जिप्स होती हैं वो करवा के फिर जाते हैं मौला चुटुक की तरफ। और वहाँ पर तकरीबन जो है 3-4 घंटे का वो भी रास्ता, तो देखते हैं नाश्ता मंगाते हैं उसके बाद मिलते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खुशदार के होटल में और यहाँ का व्यू चेक करें। वही नाश्ते का टाइम हो गया और धूप के अंदर नाश्ता हो रहा है, सारे बाजार आ गए। रास्ता इतना लंबा था कि जैसे रास्ता बहुत लंबा था। तो भाई नाश्ता करके फ्री हो गए और अब जो है हमारा सफ़र है इन गाड़ियों में, क्योंकि वो हम इधर ही खड़ी कर देंगे, क्योंकि अब जो सफ़र है वो सारा ऑफ रोडिंग का है। तो तीनों 4x4 हमारे साथ जाएंगी ताकि क्या कर रहे थे दिखाना करके भूसा कली मारे भूसा कली तो भाई अब जो है हमारा सफ़र जो है 4x4 में, क्योंकि आगे का रास्ता सारा ऑफ रोडिंग का। तो भाई इस होटल में हम लोग रुके और ये गेट है। सावा भाई क्या सूरज आ रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत खतरनाक सूट डालें, इसके बाद वॉशरूम नहीं है, इतनी खतरनाक सूट डालें। मसला सिर्फ यहाँ से ही आखिरी वॉशरूम है, इसके बाद 3-4 घंटे का रास्ता है, उसके बाद वॉशरूम नहीं है। तो खैर हो गई, चलें पहाड़ों के पत्थरों में बैठ के कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। दो बड़े बड़े पत्थर रखेंगे, एक टैंक से एक टैंक से, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो चलते हैं 4x4 की जानिब और ऑफ रोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया। आगे का व्लॉग जो है ना हमारा, वो जो है ऑफ रोडिंग वाला आपको पार्ट टू में दिखाएंगे और पूरा मौला चुटुक का जो व्यू है वो भी पार्ट टू में दिखाएंगे। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।